खाओ पियो की वीडियो में आज हम आपके लिए लाए हैं चिकन अंगारा। देखिए, जिसके नाम में ही अंगार भरा है वो कितना स्वादिष्ट होगा, कितना टेस्टी होगा। बस जब आप उसे अपने घर पर बनाएंगे ना, उसके बाद मुझे लगता है आप दूसरी तरह का चिकन बनाना भूल जाएंगे। अब इस रेसिपी की इतनी तारीफ हो गई है तो क्यों ना हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करें। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे आने वाले अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए हम अपना चिकन अंगारा बनाना शुरू करते हैं। चिकन अंगारा बनाने के लिए हमें कुछ चाहिए सूखे मसाले। सूखे मसालों में हमने लिया है 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच काली मिर्च, 1.5 चम्मच साबुत धनिया और 5 लाल मिर्चें। ये जो लाल मिर्चें हैं एकदम सूखी हुई हैं। अब हम इनको धीरे धीरे रोस्ट कर लेते हैं। रोस्ट करने में हमें इसमें लगेंगे कम से कम 1.5 से 2 मिनट। हमने इसको बिल्कुल धीमी गैस पर धीरे धीरे रोस्ट करना है। जब आपको मसालों की खुशबू आनी शुरू हो जाए तो आप समझ जाइए कि आपके मसाले रोस्ट हो चुके हैं। देखिए, इसमें से थोड़ा थोड़ा धुआं निकलना शुरू हो गया है। अब हम इन मसालों को ग्राइंड कर लेते हैं। अब हम इन मसालों को सबसे पहले हम मिक्सर जार में डाल लेते हैं और इन्हें हम ग्राइंड कर लेते हैं। हमें इसका एकदम फाइन पाउडर चाहिए है। घर के मसालों की बात ही अलग होती है। हमारे मसाले ग्राइंड हो चुके हैं। चलिए इन्हें खोल कर देखते हैं। देखिए, एकदम हमारे मसाले अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुके हैं। अब हमने लिया है 1/2 किलो बोन वाला चिकन। आप चाहे तो बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं। इसको हमने अच्छी तरह से धो लिया है। अब इसमें ऐड करते हैं 150 ग्राम दही। अब इसमें ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा लहसुन का और अदरक का पेस्ट। ठीक है, अब हमने जो मसाले रोस्ट किए थे वो इसमें डाल लेते हैं। थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च डाली है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। 1/2 चम्मच हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है गरम मसाला। अब हम अच्छी तरह से इन मसालों को मिक्स कर लेते हैं ताकि ये जो मसाले हैं हमारे चिकन पर अच्छी तरह से इसकी कोटिंग चढ़ जाए। अब हम इसमें ऐड करते हैं 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च से क्या होता है कि जो चिकन की जो ग्रेवी बनती है उसका बहुत अच्छा कलर बनकर तैयार होता है। अब हम अपने चिकन को 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देते हैं। अब मैंने लिया है फ्राई पैन। इसमें ऐड करते हैं 4 से 5 चम्मच ऑयल की। ऑयल हमारा गरम हो गया है। अब इसमें ऐड करते हैं बारीक कटी हुई प्याज। प्याज मैंने 3 मीडियम साइज की ली है। इन्हें मैंने एकदम बारीक काट लिया है। हमने अपनी प्याज को ब्लैक कलर नहीं देना है, हमने इसको बस ट्रांसपेरेंट होने देना है। ऐसा होने में 1 से 1.5 मिनट लग जाता है। अब हम इसमें ऐड करते हैं अपना टमाटर का पेस्ट। मैंने 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए थे। इन्हें मैंने ग्राइंड कर लिया था, एकदम अच्छा पेस्ट बना लिया था। जो हमारे टमाटर हैं इनको पकने में कम से कम 3 से 4 मिनट लग जाते हैं। हम अपने बर्तन को अच्छी तरह से ढककर बनने देते हैं। देखिए, जो हमारे ये प्याज और टमाटर का ये ग्रेवी है ये बन चुकी है।
अब हम इसमें ऐड करते हैं जो हमने अपना चिकन मैरिनेट किया था ना, उसे ऐड करते हैं। देखिए मैरिनेशन के बाद हमारा जो चिकन है वो कितना अच्छा लग रहा है। अब इसे हम चलाते हैं। हमने अपनी गैस को हाई रखा हुआ है। जो मेरा बर्तन है ये नॉन स्टिकी पैन है। अगर आपके पास नॉन स्टिकी पैन नहीं है तो आप अपनी गैस को मीडियम पर रखें। अब इसमें ऐड कर लेते हैं बारीक लंबी कटी हुई अदरक। मैंने 10 से 15 बादाम का पेस्ट बना लिया था, इसे ऐड कर लेते हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हमारी जो गैस है वो हाई है। अब हम इसे ढककर 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो गैस पे छोड़ देते हैं। जब ये धीरे 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 पकता है ना तो बहुत अच्छा बनकर तैयार होता है। हमारे 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए इसे खोलकर देखते हैं। देखिए एकदम जो ऑयल है वो ऊपर की तरफ आ गया है। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं। एकदम प्यारी सी खुशबू फैल गई है। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं बारीक कटा हुआ धनिया और 2 हरी मिर्चें। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं 3 चम्मच मिल्क क्रीम की। अगर आपके पास फ्रेश मलाई है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे एक बार चला देते हैं। गैस हमारी अब भी मीडियम है। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं पानी। मैंने इसमें 1/2 गिलास पानी ऐड किया है। आपको जैसी ग्रेवी चाहिए आप उतना लीजिए, लेकिन जो चिकन अंगारा होता है उसकी ग्रेवी जो होती है वो थोड़ी सी थिक होती है। अब हम इसे ढककर 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकने देते हैं। 3 मिनट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इसे अच्छी तरह से हम चला देते हैं। देखिए एकदम जो हमारा चिकन है वो अच्छी तरह से गल चुका है। चिकन हमारा बन चुका है। अब इसे चिकन अंगारा बनाने के लिए हम इसमें लगाते हैं धुआर। इसके लिए मैंने एक स्टील की कटोरी ली है। इसे हम चिकन के बर्तन में बीच में रख देते हैं। इस बर्तन में मैंने 4 लौंग रख दी हैं। लौंग से क्या होता है कि फ्लेवर बहुत अच्छा आता है जब उसकी धुआं लगती है। अब हमें एक कोयला लेना है। इसे हम अच्छी तरह से जला लेते हैं गैस पर। अब हमारा कोयला जल चुका है। अब इसे जल्दी से हम उसी कटोरी में डाल देते हैं जिसमें हमने लौंग डाली थी, और ये काम हमने जल्दी जल्दी करना है। अब इस पे 1/2 चम्मच हम देसी घी डाल लेते हैं। इससे क्या होगा, जो देसी घी है और जो हमने लौंग डाली हुई है और जो हम धुआर लगा रहे हैं उससे इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा अरोमा आता है। देखिए हमारा चिकन अंगारा बनकर तैयार हो गया है। हमने इसे बारीक बारीक कटी हुई अदरक से सजा दिया है, थोड़े से धनिए के पत्तों से। तो आप भी इसे अपने घर पर बनाइए। कैसा बना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फेसबुक पे मेरे पेज को लाइक और यूट्यूब पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही फिर किसी नई वीडियो के साथ आपसे जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।